कला उत्सव प्रभारी माया सिंह, और मुझे नोडल जनपद का नामित किया गया है। ये किस तरह की प्रतियोगिता? ये पूरे भारतीय सभ्यता संस्कृति को संरक्षित करने के लिए और नए युवा पीढ़ी या पुराने पीढ़ी जितने भी हैं उन सब के लिए अपनाने, संरक्षित करने और आत्मसात करने के लिए बनाया गया है, कराया जा रहा है। 12 तरह की प्रतियोगिता और जिसमें शास्त्रीय गायन, लोक गायन, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, स्वर वाद्य, अनवद्य वाद्य, एकल अभिनय और नौटंकी, इसके साथ ही साथ स्टोरी टेलिंग भी है, द्विआयामी, त्रिआयामी और स्थानीय खेल खिलौने। इसमें बालक और बालिका दोनों अलग अलग भी था। इसमें द्विआयामी जो पेंटिंग से संबंधित है, त्रिआयामी मूर्तिकला से संबंधित है, और स्थानीय खेल खिलौने किसी भी सामग्री से बना सकते हैं, वेस्ट मटेरियल से बना सकते हैं, लकड़ी से बना सकते हैं, कपड़े से बना सकते हैं, गत्ते से बना सकते हैं या मिट्टी से बना सकते हैं। और ये यूपी से ही संबंधित प्रथम जो स्थान प्राप्त करेंगे हर विधा में, बालक और बालिका दोनों प्रतिभागी मंडल में प्रतिभाग करेंगे, और वहाँ विजयी होते हैं तो स्टेट में, और वहाँ विजयी होते हैं, प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं तो नेशनल में प्रतिभाग करेंगे।